इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बचपन से लेकर आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ कबीर को पाने की ख्वाहिश रखी है रुखसत। कहाँ गया तुम्हारा वो जुनून? कबीर को प्यार करने का पागलपन कहाँ गया? तुम्हारी हर एक सांस पर कबीर का नाम हुआ करता था, और आज आलम देखो, आज कबीर ने तुम्हें अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि वो तुमसे नफरत करता है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने एक ऐसे शख्स का साथ दिया है जिसने उससे उसकी जारा को छीना है। उसकी जारा का कत्ल किया है रुखसा। और जब कबीर को तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा थी, तुमने उसी का साथ नहीं दिया। साथ भी दिया तो किसका? अब्बू का? नहीं रुखसा, नहीं माफ करेगा वो तुम्हें, कभी माफ नहीं करेगा। बच्चों, अगर हम अब्बू का साथ नहीं देते बच्चों, तो अब्बू हमें नहीं छोड़ते। अब सही कह रही है, हम खुद को बचाने के चक्कर में कुछ सोच ही नहीं पाए। हमसे कबीर इतना दूर हो जाएगा बच्चों, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। हम अबू का साथ दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कबीर से मोहब्बत नहीं करते। हम चाहत की हद से ज्यादा कबीर को चाहते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा। हमने अबू को समझा दिया कि हम उनके साथ हैं और वो ठीक है इस बात से। हमें बस अपनी मोहब्बत पानी, हमारा कभी। हम जाएंगे, हम कबीर से मिलने जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम कबीर को सिर्फ मिलेंगे ही नहीं, उसे वहां से छुड़वा कर भी लाएंगे। देखिए, ये उस पागलखाने का नक्शा है और कबीर को यहाँ पर रखा गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमें वहाँ पर 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचना है कबीर के सेल में, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है और वहाँ के सारे मेंटल पेशेंट्स इकट्ठा होकर लंच करते हैं। और उस वक्त वहाँ पे ना तो ज़्यादा गार्ड्स मौजूद होते हैं, और वहाँ का सुपरिटेंडेंट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हिमेश, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो हमारे लिए आसानी होगी। ज़रा बेटा, जितना आसान तुम कह रही हो उतना आसान है नहीं। इसका अंजाम कितना हैरत अंगेज हो सकता है, तुमने सोचा भी है? वहाँ से कबीर मियाँ को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कैमरा लगा हो। अगर हमें पहचान लिया गया ना, तो हमारी बहुत बदनामी होगी और हम कबीर मियाँ को कभी भी वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। जारा को कैसे इंसाफ दिला पाएंगे बेटा? जारा का कातिल शहर में बेखौफ होके घूमेगा, और इधर पागल खाने में कबीर मियाँ रहेंगे, और अगर हम पकड़े गए ना, अगर हमें किसी ने पहचान लिया, तो हमें जेल हो सकती है।